थे जिन्होंने पंजाब के अमृतसर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री भाटिया वर्ष 1992 से 96 तक विदेश मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे। श्री भाटिया याचिका समिति तथा पूर्वती खाद्य और नागरिक आपूर्ति संबंधी समिति के सभापति थे। श्री आर एल भाटिया का निधन अमृतसर में 6/5/2021 को 99 वर्ष की आयु में हुआ। प्रोफेसर राशा सिंह रावत 9वीं, 10वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं लोकसभा के सदस्य थे जिन्होंने राजस्थान के अजमेर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। प्रोफेसर रावत विभिन्न संसदीय समिति के सदस्य थे। प्रोफेसर रावत का निधन अजमेर में 10 मई 2021 को 79 वर्ष की आयु में हुआ। श्री संभाजी राव काकड़े 6वीं और 8वीं लोकसभा सदस्य थे जिन्होंने महाराष्ट्र के बारामती संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य थे। श्री संभाजी राव काकड़े का निधन पुणे में 10 मई 2021 को 85 वर्ष की आयु में हुआ। श्री रामेंद्र कुमार यादव 9वीं लोकसभा के सदस्य थे जिन्होंने बिहार के मध्यपुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे बिहार विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री रामेंद्र कुमार यादव का निधन पटना में 14 मई 2021 को 78 वर्ष की आयु में हुआ। श्री राजीव शंकर राव सातव महाराष्ट्र के हिंगोली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे राज्यसभा के वर्तमान सदस्य थे। श्री सातव रक्षा समिति, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति और रेल समिति के सदस्य रहे तथा महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री राजीव शंकर राव सातव का निधन पुणे में 16 मई 2021 को 46 वर्ष की आयु में हुआ। श्री केटी बांडियार 10वीं लोकसभा के सदस्य थे जिन्होंने तमिलनाडु के तंजावुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उनका निधन चेन्नई में 17 मई 2021 को 92 वर्ष की आयु में हुआ। प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता 11वीं, 12वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर के उधमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री प्रोफेसर गुप्ता खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं नागर विमानन और रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में रहे। विभिन्न संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। इससे पूर्व वे जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्य थे। प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता का निधन जम्मू में 18 मई 2021 को 87 वर्ष की आयु में हुआ। श्री जगन्नाथ पाड़िया राजस्थान के सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र से 2वीं लोकसभा तथा राजस्थान के बयाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 4वीं, 5वीं और 7वीं लोकसभा सदस्य थे। श्री पाड़िया बिहार और हरियाणा के राज्यपाल रहे। वे राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे तथा विद्य खाद्य और कृषि आपूर्ति संचार और श्रम मंत्रालय में केंद्रीय उपमंत्री एवं वित्त राज्य मंत्री भी रहे। इससे पूर्व पहाड़िया राज्यसभा के सदस्य थे और राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री जगन्नाथ पहाड़िया का निधन नई दिल्ली में 19 मई 2021 को 89 वर्ष की आयु में हुआ। श्री कृष्णा कर्नाटक के मांड्या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री कृष्णा ने कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। वे 3 कार्यकाल के लिए कर्नाटक विधानसभा के सदस्य रहे। वे कर्नाटक सरकार में मंत्री भी रहे। श्री कृष्णा का निधन मैसूर में 21 मई 2021 को 79 वर्ष की आयु में हुआ। श्री टीएम कालियानन पूर्वती मद्रास राज्य में प्रोविजनल संसद के सदस्य थे। वे तमिलनाडु विधानसभा और तमिलनाडु विधान परिषद के सदस्य भी रहे। श्री कल्याणन का निधन तमिलनाडु के नमक्कल में 28 मई 2021 को 101 वर्ष की आयु में हुआ। श्री हमेंद्र सिंह बनेड़ा 5वीं और 9वीं लोकसभा के सदस्य थे जिन्होंने राजस्थान के भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री बनेड़ा प्राकरण समिति के सदस्य थे। श्री हेमेंद्र सिंह बनेड़ा का निधन जयपुर में 31 मई 2021 को 75 वर्ष की आयु में हुआ। श्री शंकर सकाराम नाम 12वीं लोकसभा के सदस्य थे जिन्होंने महाराष्ट्र के दहानु संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे श्रम और कल्याण संबंधी समिति के सदस्य थे। वे 3 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य तथा महाराष्ट्र सरकार में उपमंत्री भी रहे। श्री शंकर सकाराम का निधन थाने में 72 वर्ष की आयु में 5 जून 2021 को हुआ। श्री दीन बंधु वर्मा 7वीं लोकसभा के सदस्य थे
जिन्होंने राजस्थान के उदयपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वर्मा इससे पहले राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रहे, वे राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री भी रहे। श्री दीन बंधु वर्मा का निधन जयपुर में 9 जून 2021 को 83 वर्ष की आयु में हुआ। श्री शरद त्रिपाठी सोली लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री त्रिपाठी विदेशी मामलों संबंधी समिति आवास समिति के सदस्य थे। उनका निधन गुरुग्राम में 30 जून 2021 को 49 वर्ष की आयु में हुआ। सभा भारत के महानतम खिलाड़ी में से एक एथलीट से मिल्खा सिंह जी के निधन पर भी शोक व्यक्त करती है। उन्होंने एथलीट के क्षेत्र में विभिन्न स्पर्धाओं में देश का नाम ऊंचा किया। श्री मिल्खा सिंह जी का निधन 18 जून 2021 को चंडीगढ़ में हुआ। सभा देश के महानतम कलाकारों में एक श्री दिलीप कुमार जी के निधन पर भी गहरा दुख व्यक्त करती है। दिलीप कुमार जी ने कुष्ठ अभिनय के माध्यम से हमारा मनोरंजन किया और समाज को सकारात्मक संदेश किया। वे राज्यसभा के पूर्व सांसद भी थे, जिनका निधन 7 जुलाई 2021 को बम्बई में है। सभा देश के अन्य महान हस्तियों के निधन पर शोक व्यक्त करती है। सभा अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है, शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। सभा अब कुछ देर के लिए मौन रहकर हमको श्रद्धांजलि देगी।